नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड के कितने टाइम के बाद प्रेगनेंसी होती है और ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि सर पीरियड साइकिल के कितने टाइम के बाद जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होती है या प्रेगनेंसी को कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। तो ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर ही है, तो बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। पीरियड के कितने टाइम के बाद प्रेगनेंसी होती है, इस बात को समझने के लिए आपको पहले तो पीरियड साइकिल को समझना होगा, ठीक है। तो सामान्यतः जो फीमेल हैं, जो स्त्री हैं, उनका जो पीरियड चक्कर है, मतलब कि जो मासिक चक्कर है, वो 21 से 35 दिन का होता है, ठीक है। 21 से 35 दिन की अगर एवरेज निकाल लें, उसका औसत निकाल लें, तो वो 28 दिन बनती है। अगर आपका जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन का है, तो उसका आप हाफ कर दें, ठीक है। हाफ करने पर 14th डे आता है। मतलब क्या है कि 14th डे को आपको ओवल्यूशन होगा। अब ओवल्यूशन का मतलब क्या है कि फीमेल्स की बॉडी में दो ओवरीज होती हैं, लेफ्ट और राइट। ओवरीज का मतलब होता है अंडाशय या फिर अंडेदानी। अंडेदानी का मतलब क्या है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब कि हर मासिक चक्कर में, महावारी के टाइम, इन अंडेदानी में से, दोनों में से एक अंडेदानी से एक अंडा रिलीज होता है जो मैच्योर होता है। फोलिकल्स होते हैं, मतलब कि आप एक समझ सकते हैं कि एक पाउच होती है और उसके अंदर से एक अंडा रिलीज होता है हर मासिक चक्कर के 14th डे पर, अगर फीमेल का मासिक चक्कर 28 दिन का है, ठीक है। और इस अंडे को रिलीज होने को ओवल्यूशन बोला जाता है। जब ये अंडा मेल के स्पर्म के साथ, मतलब कि मेल के शुक्राणु के साथ मिलता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि अंडा जो है वो अंकुरित हो जाता है। अब देखिए, अगर आप कोई पेड़ को बोते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक बीज चाहिए होता है ना। तो वैसे ही फीमेल अपना एक अंडा रिलीज करती है, लेकिन उसको निश्चेचित करने के लिए, मतलब कि उसको फर्टिलाइज करने के लिए जो मेल है उसका स्पर्म चाहिए होता है। तो जब आप रिलेशन बनाओगे, अगर आपने रिलेशन ओवल्यूशन के दिन बनाया है या फिर ओवल्यूशन से पहले बनाया है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के, मतलब कि अंडे को फर्टिलाइज होने के लिए। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर अंडा फर्टिलाइज होगा तो ही प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। और प्रेगनेंसी तभी होगी जब ओवल्यूशन होगा। तो ओवल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th डे पर ओवल्यूशन होगा अगर 28 दिन का मासिक चक्कर है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं कि पहला तो ये है कि अंडा कितने टाइम पीरियड तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। अंडा रिलीज होगा, ठीक है, अंडा रिलीज होगा तो अगर आप रिलेशन बनाओगे, तो अगर अंडा रिलीज होने के टाइम पीरियड पर अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो प्रेगनेंसी रुकेगी। और अगर अंडा ख़त्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, तो फिर रिलेशन बनाओगे तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, क्योंकि अंडा वहाँ पर है ही नहीं। तो पहली बात तो यही है कि आपने जानना है कि अंडे की वैलिडिटी कितनी होती है, एक नंबर। दो नंबर की जो मेल का स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, कि जो मेल का स्पर्म शुक्राणु अंदर जा रहा है उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कितने टाइम पीरियड तक वो अंदर सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो पहली बात, जो अंडा है वो कम से कम 24 घंटे तक सर्वाइव करता है, मतलब कि उसकी वैलिडिटी होती है, फिर वो श्रिंक हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कई स्टडीज़ में मैक्सिमम 48 आवर्स तक ये रहता है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब कि जो आपकी अंडेदानी से बच्चेदानी तक के बीच की जो ट्यूब है, वहाँ पर ही ये सर्वाइव करता है अंडा। फीमेल का जो एग है वो सर्वाइव कर सकता है कितने टाइम तक, दो दिन तक, मतलब कि 48 आवर्स तक मैक्सिमम ये सर्वाइव करता है। अदरवाइज तो ये 12 से 24 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जो मेल का स्पर्म है वो कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा, वो करता है कम से कम 5 से 7 दिन या मैक्सिमम 14th डे तक। लेकिन ये स्टडीज़ है, लेकिन कम से कम आइडियल टाइम पीरियड माने तो 5 से 7 दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अगर आपने अब जो ओवल्यूशन है वो 14th डे को होना है, ठीक है,
अब अंडे की वैलिडिटी है 2 दिन, मतलब कि 14 तारीख को रिलीज़ हुआ है तो 15 तारीख तक ये रहेगा, 14 और 15 48 घंटे हो जाएंगे और फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पीरियड पर अगर आपने रिलेशन बनाया है, मतलब कि अब जो स्पर्म है वो 7 दिन तक मैक्सिमम सर्वाइव कर सकता है, तो अगर आप रिलेशन बनाते हो 14 तारीख को होना है ओव्यूलेशन, और अगर आप रिलेशन बनाते हो 8 तारीख को, तो जो स्पर्म है वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो मैक्सिमम वो फीमेल की बॉडी में 14th तारीख तक भी सर्वाइव कर सकता है, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो स्पर्म का भी आपने देखना है और साथ ही अंडे का भी देखना है कि उसकी वैलिडिटी कितनी है। तो जो आइडियल टाइम पीरियड है रिलेशन बनाने का वो होता है अगर ओव्यूलेशन 14 तारीख को हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड होता है रिलेशन बनाने का, जहाँ पर प्रेगनेंसी को कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो हैं 10 से 20 तारीख के बीच में आइडियल टाइम पीरियड। और ये भी नहीं है कि ओव्यूलेशन फिक्स होता है, कई बारी फीमेल स्ट्रेस में रहती हैं तो उनको ओव्यूलेशन डिले कर जाता है, लेट से आता है, तो ये भी नहीं मान के चलना कि ओव्यूलेशन इतनी ही तारीख को होगा। उसके लिए अगर आप बिल्कुल परफेक्टली अगर आप चाहते हैं कंसीव करने के लिए, तो आपको ओव्यूलेशन टेस्ट कार्ड से डेली ही चेक करना पड़ेगा। जिस दिन टेस्ट कार्ड पॉजिटिव आएगा तो उससे नेक्स्ट डे पर आपको ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं कंक्लूजन बताऊँ इस वीडियो का, तो आइडियल टाइम पीरियड जहाँ कंसीव करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं वो होते हैं 1 से 8 दिन के। ठीक है, फिर 8 से 19-20 दिन तक प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर 19 से 30 दिन तक प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 से 8 दिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत कम, फिर 9 से 19-20 तारीख तक प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा, और फिर 19 से 30 तारीख तक प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ही कम। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, एक तो स्पर्म की वैलिडिटी कितनी होती है और एक ओव्यूलेशन टाइम और क्या कहते हैं अंडे की वैलिडिटी। ठीक है, अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आप इजीली बहुत ही इजी तरीके से समझ जाओगे कि प्रेगनेंसी किन टाइम पीरियड पर कंसीव होगी और किन टाइम पीरियड पर कंसीव नहीं होगी। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेक श्योर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay fit.